हमारा बांटे हैं, पहुंचाया मानव समझने वाला है, बाकी कोई समझने वाला नहीं है। ये वाली बात जीवन के बारे में बताया, पहचानने की बात है, ठीक है ना, पहचानते हैं और आहार को पहचानते हैं। हाँ बस ठीक हो गए, ठीक है, यहाँ तक पूरा हो गया, यहाँ से अब प्रश्न करो। ये जो सारी प्रक्रिया होती है, जैसे कि आप देखिए एक वृक्ष के अंदर करोड़ों लाखों बीज हुए, उसमें से कुछ एक फलित हुए, ठीक है ना भाई, वो अभी ये बात ये यहाँ तक ये वाला ठीक हो गया। हाँ, उसके बाद पंच बीज ना हो। मैं ये कह रहा हूँ ये जो सिलेक्शन हुआ उनमें से जो चार ही फलित हुए, बाकी के हजार फलित नहीं हुए, क्या आपत्ति हो गई? आपत्ति नहीं हुई, ये किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ? मतलब आप कहते हैं कि सहस्तित्व नियम से उसमें उनका उसमें संतुलन प्रमाणित होता है प्राणावस्था में, ठीक है, ये कैसा होता है प्रश्न करो ना भाई। हाँ, ये कैसे होता है ये प्रश्न, उसके लिए ये कंफ्यूजन में कोई प्रश्न नहीं होता है, ठीक बात है। ये जो देखने को मिलता है सभी बीज उगते नहीं है, कुछ उगते हैं कुछ नहीं उगते हैं, हाँ। इतने कुछ बच्चे पैदा होते हैं मनुष्य का, कुछ मर जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, ठीक है ना, वही ठीक है ना बात, यही ये कैसे होते हैं, इतने ही बात है ना। उसी के साथ में और भी कई जगहों पर इस तरह का सिलेक्शन सा दिखता है, जैसे कि इतने सारे पदार्थ अवस्था के परमाणु है, उनमें से कुछ इतने सारे जड़ परमाणु उनमें से कुछ चैतन्य में संक्रमित होते हैं, बाकी वैसे ही पदार्थ अवस्था में बने रहते हैं, ठीक है ना, सब जगह में हो गए ना, सब जगह में हो गया, तो ये कैसे होता है ये इसमें जो है ना दो दो, दो प्रकार से इसका जुगाड़। हाँ, ये दो ये तो टाइम लगेगा बाबा, बड़ा ये वाला, ये समय लगेगा, एक मिनट में हो जाएगा। हाँ, रोल विज्ञान। हाँ बाबा शुरू कर दो। बोलो बाबा, प्रश्न ये है कि एक वृक्ष के अंदर हजारों बीज होते हैं, उनमें से कुछ ही फलित होते हैं, फलित नहीं होते, एक बहुत सारे जीवों के सभी बच्चे जो हैं वो पैदा नहीं हो पाते हैं, उसी तरीके से सभी परमाणु जीवन पद में संक्रमित नहीं होते हैं, तो ये कैसे होता है, ये किस नियम से होता है, किस नियम से होता है? इसका इस नियम का नाम है संयोग नियम। संयोग किस पर निश्चित है? सहस्तित्व पर निश्चित। तो थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। इसकी दो नियम लगते हैं, पहला नियम है संयोग अथवा योग, योग संज्ञा का जो अर्थ है, मिलन का नाम है योग, मिलन प्रक्रिया है, हर वस्तु के साथ कोई चीज मिलन विधि बनाई रहता है, अच्छा, जैसा बीज उसके साथ मिट्टी का मिलना एक योग, पानी का मिलना एक योग, हवा का मिलना एक योग, खाद गोबर का मिलना एक योग, है ना, अब ये सब मिलकर के योग, इसमें से कोई योग है, योग में से कोई एक चीज फेल हो गया, इसमें विरोधाभास होता है, ठीक है, ये क्यों विरोधाभास होता है, कुछ सहस्तित्व बने रहने के लिए, सहस्तित्व बने कैसे रहना, क्या रहा होता है जीवित रहना, कुल मिला करके चारों अवस्था होने रहने की अर्थ में है। बाबा का आज के स्थिति के अंदर हम जो नियंत्रण को हम एक कंट्रोल के रूप में देखते हैं, लेकिन जब ये सहस्तित्व को जब आप इस तरह देखते हैं तो उसमें दिखता है कि कंट्रोल करने वाला तो कुछ है नहीं, तो किस प्रकार रहता है कंट्रोल नाम की चीज जो अपन मनुष्य जानते हैं,
अपने हविष के अनुसार शासन के रूप में जानते हैं, अपने हविष हाँ. के रूप में हम कंट्रोल मानते हैं हाँ. किंतु सहस्तित्व का जो कंट्रोल है हाँ. वो चारों अवस्थाएं यथावत बना रहे, ठीक है, ये उसका डेस्टिनी है, सहस्तित्व का डेस्टिनी इतना है. तो फिर जिस जिस बीज का पोषण नहीं हुआ या जो बालक गर्भ में मर गया, क्या वो उसका शोषण नहीं हुआ? उसका योग नहीं ठीक नहीं हुआ, वो स्पष्ट है भाई. बहुत आसान है, जो गर्भ पात्र होता है उसको क्या समझेंगे? उसके साथ हाँ, उसके बाद ये पता मनुष्य का है विष पूछ लो, ये मानव का है विष चाहिए, ये अभी अस्पतालों में कराते हैं. क्या उसमें योग हो गया है ना, उसको विच्छेद करने का उपाय खोज लिया आपने, ठीक है ना? ठीक है, इस प्रकार की बात है. मैं मनुष्य का प्रयत्न के बारे में कुछ लोग सही भी मानते हैं, कुछ लोग गलत भी मानते हैं. इस प्रकार के कुकर्मों को कुछ लोग सही भी मानते हैं, कुछ लोग गलत भी मानते हैं. मानते हैं ना? नहीं, सही को मानते हैं. मानते हैं, कुछ लोग सही भी कहते हैं. मैं बताओ, सही कुछ लोग माने जो ऐसा करते हैं तो सही मानते हैं, सही मानते हैं तभी तो करते हैं. हाँ, अच्छी ढंग से तो कहने का मतलब, एक तो मैं जो जीत रहे दो सिद्धांत है, सहज तत्व सिद्धांत कौन सा आरोपी हाँ. कितना याद नहीं है उसे संयोग सिद्धांत में कोई भी चीज रहने के लिए संयोग विधि बना, जैसा आप हम रह रहे हैं इसके साथ घर है, एक संयोग है, हवा है, पानी है ना, खाना है, पीना है, और हर बात एक हमारा रहने का बात इसमें से कोई भी चीज कम होता है, नहीं तो रोगी होते हैं, नहीं तो दुखी होते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है. ठीक बात, ठीक बात है. उसी प्रकार से हर जगह में योग नाम की चीज है, संयोग नाम की चीज है, सहज सुख रूपी जो नियम है वो अपने आप में सिद्ध. सहज सुख के क्या मतलब, मतलब गोचार अवस्था सहस्तित्व में ही प्रकट है, ठीक है ना? ये चार अवस्था बने रहना सहस्तित्व का उद्देश्य, नियति विधि ये भी. कुल मिला के बाबा फिर उसमें बात तो सत्ता पर ही आके टिक जाती है, क्योंकि और सब चीजें तो उसी का ही प्रकाशन दिखता है. कुल मिला के जो बात सहस्तित्व की और संयोग की जो बात है, फिर वो ही आके सत्ता पर जाकर टिक जाती है. कुल मिलाकर योग संयोग सत्ता पर आकर ये बात टिक जाती है कि ये सत्ता के कारण हो रहा है, सत्ता में संपर्क प्रकृति के कारण हो रहा है, सत्ता में संपृक्त प्रकृति के कारण योग संयोग हो रहा है, सारा एक्टिविटी इतने में संपृक्त प्रकृति में. इसका पापा ऐसे ढूंढने से इसका सोर्स तो ऐसे कुछ मिलता नहीं ना, ऐसे ही इसको ढूंढने से इसका कुछ सोर्स ऐसे कुछ मिलेगा नहीं, है ना? सोर्स यही मिलता है. हाँ, इतने तक सोर्स है. और ये संयोग की जो बात है, इसमें हम उसमें एक सक्सेस रेट ढूंढने जाते हैं, किसी चीजों में सक्सेस रेट ढूंढने जाते हैं कि ये पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसका क्या कारण होगा. तो ये संयोग वाले से वो ठीक होता है कि हर एक चीज, जैसे कि कभी कुछ संयोग बना, आज बारिश हुई, कल बारिश नहीं होगी, इसी विधि. अभी आप ही को बताया, अपना शरीर यात्रा माने सुगम रहने के लिए कुछ संयोग चाहिए, हवा चाहिए, हवा नहीं रहेगा तो नहीं होगा.
हवा के बिना शरीर सुरक्षित रहेगा? ठीक है। ये संयोग संयोग ना हो ऐसा कोई स्थिति नहीं है। योग संयोग ना हो ऐसा कोई स्थिति को अपन पहचान नहीं पाते। बाबा जहाँ तक संयोग होता है उससे तो देख के प्रसन्नता होती है, लेकिन जहाँ वियोग दिखता है जहाँ योग संयोग के साथ वियोग भी रहता है। वो कई के लिए संतुलन के लिए चार अवस्था बनाए रहने के लिए इतना ही बस। अभी जैसा जंगल में कुछ जानवर मांसाहारी मांसाहारी उनका जो आकलन हुए अंतर्गत वो जंगल में जीवों की संतुलन के लिए बना मांसाहारी अंतिम निष्कर्ष ही निकलते। लेकिन बाबा जैसे अब देखते हैं उसको देख करके मानव भी जो मांसाहारी हो गए ठीक है ना। मांसाहारी को संतुलन का ज्ञान तो है ही नहीं। अच्छा तो जीव में जो है ना केवल भूख लगता है तभी कोई जीव को खा लेता है, उसके बाद हजार जीव उसके साथ खेलता रहता है कुछ नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसा दिखता है जैसे हम देखते हैं जैसे लकड़ बग्घे होते हैं जंगली कुत्ते होते हैं वो ऐसे निर्ममता से कुछ कुछ मारते रहते हैं चाहे वो भूख हो ना हो ऐसा दिखता है। क्या ये ऐसा है या फिर हम कुछ देखने में भूल कर रहे हैं? वो आहार विधि से ही ये सब चीज है। आहार के रूप में ही पहचानते हैं वो तभी ये सब होता है और कोई कारण है। जंगली जानवर होते हैं वो क्या होता है जंगली बाद में को मार दिया इस प्रकार की कोई जीव प्रकार की कारण नहीं है। बाबा ये वाली जो बात अपनी जो है मानव तक जो पहुंचती इसमें सारकता मारकता और क्रूर अक्रूर को आपसे सारकता से क्या अर्थ है मारकता से क्या अर्थ है? हाँ बाबा वही है वो लिखा तो है ना शरीर पोषण को शरीर शोषण को मारक वनस्पति के लिए। बाबा लेकिन सारकता जो वनस्पति में है एक जगह आपने ऐसा भी कहा है बाबा कि अपने बीज गुणन को करने में जो करता है उसको सारक बोला और अपने ही बीज गुणन को नहीं करता है उसको मारक बोला। मैं देख के बताऊं वही लिखा तो जीवावस्था प्राणावस्था के बाद जीवावस्था में शरीर रचना है इन प्राण कोशों उसके जो सारकता वो है इन प्राण रचनाओं को बना रखे उसको सारक बताए जो उसके लिए विपरीत होता है उसको क्षतिग्रस्त करता है उसको जैसा विष 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 होते हैं उसको यदि जीव खा लेता है तो मर जाता है इसका नाम है मारा ठीक है ना। उसी प्रकार से कोई कीटाणु घास के साथ खा लेते हैं बीमारी होती है वो मर जो घास खाते हैं उससे शरीर पुष्टि होती है उसको उसको पोषक मिलना सारक का मतलब है पोषक ठीक हो गए। ये कैसे बनता है? योग संयोग विधि से बनता है। योग संयोग विधि सदा रहता ही है घटित होने के क्रम से घटित क्यों होता है क्योंकि सहस्तित्व निरंतर संतुलित बना के रखता है चार अवस्था को बनाए रखना उस आधार पर पूरा का योग संयम घटना बनेगा।
घटना योग संयोग ये पूरा का पूरा चारों अवस्था बने रहने के लिए बना। और इसके आधार पर, इस ज्ञान के आधार पर, पहले तो बात हुई थी मनुष्य को ज्ञान होता उसे आधार पर ना बात हो रहा। तो यदि ये ज्ञान पर आदमी सोचता है सभी बात सकारात्मक रिजल्ट निकल। क्या ये इस प्रकार से होता है कि मैं जब वर्तमानता को देखता हूँ और योग संयोग नियम को देखता हूँ तो कारण को समझता हूँ, उससे मैं सही करता हूँ, उससे सही फल परिणाम आता है, ऐसा है? मैंने सह अस्तित्व को सहअस्तित्व नित्य प्रभावी इस सिद्धांत के आधार पर योग संयोग की उपलब्धता है ना, निश्चित रूप सफलताएं होते हैं। ये देखो एक छोटा सी मुद्दा है, अस्तित्व में एक जलने वाला वस्तु एक जलाने वाला, दोनों का निश्चित मात्रा में मिलने से पानी होना, मात्रा यदि घट बढ़ता है पानी नहीं होगी, ठीक। और निश्चित मात्रा जो बनती है कि कोई बाप वो पूत बनाता है, अच्छे ढंग से सोच लो, ये एक पॉइंट पर्याप्त है योग संयोग के। बाबा ये थोड़ा आश्चर्यचकित करता है कि कैसे ये योग संयोग होता है। यही विधि से जरूरत में जो चार अवस्था प्रकट होने उसके आधार पर सब होता है। सुना गया एक नहीं है ये, हाँ बाबा सुन, ये बात को अनसुनी करने के बाद डिसलिंक हो गए। ये आप सुना नहीं ना, कहाँ तक हुआ था रे, कुछ हुआ गया था कहाँ? अच्छा अपन भूल भी जाते हैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये जो है ना जो पानी जो बना है, ठीक है ना, पानी का स्वरूप जो है एक जलने वाला एक जलाने वाला दोनों मिलकर के पानी का स्वरूप में है, ठीक है ना, ये इसमें निश्चित मात्रा भी है दोनों का। वो निश्चित मात्रा को कौन बनाता है पूछोगे, वो नियति एवं मैंने सहस्तित्व नित्य प्रभावी है एक सिद्धांत है, वो नित्य प्रभावी सिद्धांत पर बनता है। सहस्तित्व प्रकट होना चार अवस्था में, चार अवस्था में प्रकट होने पर ही सहस्तित्व का वैभव इससे कम में होता, इससे ज्यादा होने की संभावना तो नहीं है। यदि ज्ञानावस्था अपने में ईमानदार हो जाता है चाहे पांचवे अवस्था पैदा होने की जरूरत, यदि बेईमानी होता है तो क्या होता है हम नहीं जानते हैं, किंतु ये बात पता इतना तो हमको पता है, मानव पहले मरेगा उसके बाद जीव जाति मरेगा उसके बाद वनस्पति संसार विलय होगा, इतना हम जानते हैं। सर्वप्रथम मानव ही मरेगा, क्यों? कुकर्म का फल। बाबा पदार्थावस्था समृद्ध हुई, सारे के सारे जो जितना प्रजाति की सब हो गए, तभी उसके बाद ही योगी क्रिया शुरू हुई। उसमें उसके बाद पदार्थावस्था में वो भ्रूण बना योगी क्रिया का, भ्रूण वो छोड़ गया। हाँ बाबा भ्रूण बनने का मतलब क्या है? मैंने आवश्यकता बन गई पदार्थावस्था को प्राणावस्था में प्रकट होने का, यही का नाम है भ्रूण। बाबा भ्रूण हम वस्तु के रूप में किसको कह रहे हैं? क्या बोले? भ्रूण हम वस्तु के रूप में किसको कह रहे हैं? वही कहते हैं जो प्रकट हो सकता है, जैसा आम आम फूलता आम फूलने की पहले फूल का भ्रूण उसके पर उसके तने में बना बनता है। इसी ढंग से सभी सभी वस्तु का पूर्व पर रूप का भ्रूण पूर्व रूप में निहित रहता है। अच्छा यह समझ में आना से काफी शांत होता है आदमी।
नहीं तो शेखी बैतरण में ही हो जाता है काम। हाँ ठीक, ये इस बात को बड़े अच्छे ढंग से गंभीरता से सोचने की मुद्दा है बाबा। इसी को ही थोड़ा सा इस बात पे और रहेंगे थोड़ा। जैसे सारे परमाणु समृद्ध हुए, फिर प्राणावस्था का भून, हाँ प्राणावस्था प्रकट होने के लिए पूर्व भूमि चाहिए, उसको हम भ्रूण कह रहे हैं। उस पूर्व, वो जो पूर्व भूमि जो है ना, वो तैयार हो गया। वो अब जैसे हम जानते हैं कि पानी के अंदर दो प्रकार के परमाणुओं का संयोग रहता है, तो क्या हम ये कहेंगे कि पानी का भ्रूण जो है इन दो प्रकार के परमाणुओं में पहले से रहा आया, या फिर हम इसको एक कहीं और कह रहे हैं? भ्रूण का क्या स्वरूप है बाबा, ये नहीं समझ में आ रहा। तुम्हारा बुद्धि का खर्च करो का ठीक है बाबा। अभी आप ही ने बताया दो प्रकार की परमाणु है, हाँ। दोनों परमाणुओं में वो तो आवश्यकता बना रहता है पानी बनने का, वही भ्रूण। तो इन दोनों परमाणुओं में आवश्यकता रहती है, एक दूसरे से मिलने की आवश्यकता बना रहता है। अच्छा। इसी का नाम है। अच्छा। आवश्यकता बने बिना वो मिल जाए। उसी तरीके से सभी में योग का मर लिखा है, मिलन को योग संज्ञा परिभाषा, वो याद भी रखना पड़ता है। हाँ बाबा, उसके बिना काम होता नहीं बाबा, स्मरण में है पूरा, है ना। मिलन योग संज्ञा, हाँ। मिलन क्या चीज है? एक दूसरे से मिलने की बात ऐक्य और सहवास नाम की चीज है, ठीक है। एक दूसरे से ऐक्य होने के पश्चात दोनों वो ये अलग अलग वाला बात पता नहीं लगता, ठीक है। इस प्रकार से जो एक उसी प्रकार से एक वो बना योगिक नाम की चीज बनी। योगिक विधि में क्या होता है, दोनों मिलकर के अपना अपना आचरण त्याग दे, तीसरे आचरण के लिए दोनों बाधे हो गए, इसका नाम है योगिक। अभी योग से यही होना है कि और कुछ होना है? बढ़िया अपराध करने के लिए आविष्कार होना है योग से। दिमाग है बाबा तुम लगाए कहा? ये इसको ये घटना को देखने पर ठीक से आदमी का दिमाग ही ठीक हो जाए। मानव का संपूर्ण शेख सिद्धि ये एक सिद्धांत को ठीक से आत्मसात करने से होता है। सारा शेख अभी अपन जितने भी कंट्रोल कर रहे हैं, व्यापार के लिए कंट्रोल और नाश के लिए, दो बात सिद्ध हुई। अभी कंट्रोल क्या काम विषय के पीछे कंट्रोल रखे, विषय ऐसा रहता है ऐसा घुमा लेना, जहां चाहे वहां घुमा लेना, उसका नाम है कंट्रोल। ये बात समझ में आ रहा है? रिटायर में ऐसे ये सब चीजें बनी हुई है, तो अपन जाना जैसा ये टीवी को वो रिमोट है, उसी प्रकार से बम फोड़ने के लिए रिमोट करते हैं, बस ये सब आ रहा है कंट्रोल करो, कंट्रोल यही कंट्रोल। तो योग संयोग और सहस्तित्व नियम, अभी अभी जो ये जो मनुष्य का जो भविष्यवाणी को अपन त्याग देते हैं, तो नियति विधि से जो चार अवस्था प्रकट होना, प्रकट प्रकट होना राम, इसके नाम है होना रहना, होने रहने के रूप में ये पूरा का पूरा अस्तित्व सहस्तित्व, हर वस्तु होने के रूप में रहने के रूप में रहना, अपने स्वास्थ्य व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में है रहना, होना चार अवस्था में होना। तो कुल मिलाकर के कथा भारत है, उसमें मनुष्य की जो कथा है सबसे बड़ी मैंने विडंबनात्मक बात,
अभी तक जो है ना जीव चेतना से जीने से कुछ मानव राक्षस मानव से उठा ना हमारे ये कब तक रहेगा कुछ अपना पराया देवाल जब तक रहेगा अपना पराया जब देवाल का प्रमाण क्या होगा सीमा सुरक्षा जब तक जीवित रहेगा ठीक होंगे और प्रतीकों की लेकर के जब तक झगड़ा करता रहेगा अभी जितने भी धर्म गद्यों का झगड़ा प्रतीकों को लेकर के नहीं हाँ होता है प्रतीकों का ही झगड़ा बात है ठीक है सारे धर्म गद्यों का उन्माद केवल प्रतीकों से ठीक है प्रतीकों के पीछे क्या है एक तपस्वी तप संस्कृत के पीछे क्या है जो मैंने एक समुदाय है वो तपस्वी बोल दिया तो मार काट करना है बाकी समुदाय ये बात बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये बात है ये तो ये मार काट करना है दूसरा ये हुआ देश भारत सुरक्षा में इस प्रकार से कुकर्मों की अंतिम चरम सीमा अपना पराया के रूप में दीवार बना है दोनों गति की बात हो गई शिक्षा गति इसी को गति के पक्ष से उसके बाद यदि है तो हर इस बार लाभोन मार्ग का भोगोन मार्ग का मोन मार्ग को प्रचलित करने के लिए रखा हो क्या इतने को तो प्रचलित करने के लिए बैठा है और क्या के लिए यदि में वही है ये जो राज्य और धर्म का आशय को यदि गौण बनाता तब इसको पूरा उठाकर यहाँ तक तो आदमी का आज तक की जो इतिहास है इतने कैसा ठंडा ठंडा थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं है नमी लग रही है नमी नमी से नमी वही नमी जैसा बेडशीट ही ऐसी है चेंज कर देंगे बेडशीट ऐसी क्वालिटी की है चेंज कर देंगे वो नमी सोखता है ये प्रजाति को खत्म करो जी इसको हटा देंगे ये तो रियल वाला प्रजाति यहाँ रहना ही है जी जी इसको सबको लेकर के धोनी में डाल देना अस्तित्व सहअस्तित्व स्वयं नियति है नियति का मतलब है चार अवस्था प्रकट रहना प्रकट होना रहना ठीक है ना अब होने में तो मानव हो गया रहने में विरोधी हो गया ठीक है हाँ इतने ही बात लक्षण बात इतने ही नियति विधि से मानव हो गया होना घटित हो गया होना रह रहना नहीं रहने की विरोधी है ये ठीक है हाँ ये ठीक रहने की विरोधी है ये मानव जाति 700 करोड़ आदमी ये ठीक है इतना ही बात जितना भी उन्होंने न्यूक्लियर बम अभी जो अपन बैठे हैं अपन कैसे अपराधी ये जो प्रकाश दिख रहा है ये अपराध का फल है धरती की पेट फाड़ने का फल है इसको अपन भोग रहे हैं हम कृतकारित अनुमोदित विधि से हम अपराधी हुए कि नहीं हुए हुए बहुत नहीं तो इस अपराध का फल मिलेगा मिलेगा आप भी सोच हम कितने अच्छे हुए हैं अच्छे सोच पाए हैं अच्छे कर पाए हैं अच्छे जी पाए हैं आप भी सोच बाबा ये ज्ञान अवस्था में अपराध करना और अज्ञान अवस्था में अपराध करना इसमें वो ज्ञान था अपराध जो है ना केवल ज्ञान अवस्था में ही होता है अच्छा मेरे ज्ञान ज्ञान में ज्ञान के विपरीत जितने भी बात किया उसका नाम अपराध या गलत है ज्ञान अवस्था मानव ज्ञान अवस्था में क्वालिफाई होते हुए मानव अभी तक की ज्ञान अवस्था में केवल सहअस्तित्ववादी विधि से हम पहचाना इसके पहले धरती पर मानव को अज्ञानी स्वार्थी और पापी धर्मगति कहा सभी धर्मगति अज्ञानी पापी स्वार्थी स्वार्थी मूर्ख ये सब कहा
स्वार्थी कहा, यतीन कहा, उसमें कुशल्ला नहीं है। अज्ञानी स्वार्थी और स्वार्थी। तीन तीन स्वरूप में मानव को क्वालिफाई किया धर्म गद्दियों ने, ठीक है। राजगद्दी भी तीन एडिट में मानव को क्वालिफाई किया। देशवासी गलती और अपराध कर सकते हैं, उसके लिए दंडवित है। क्या दंडवित है? गलती को गलती से रोकना और अपराध को अपराध से रोकना। अपराध किया है उनके साथ, पड़ोसन ज्यादा अपराध कर दे, अपराध करना छोड़ दे, ऐसा सोच सकते वो रुका हो गए। पर उसके बाद पड़ोसी देश जो है ना युद्ध कर सकता है, इसलिए युद्ध के लिए तैयार करते। पड़ोसी देश युद्ध कर सकता है, युद्ध को युद्ध से रोकना। तीन धंधा संस्कृत धरती पर जितने भी कोदो कर रहे हैं राज्य, सबका संविधान इतने ही कोदो कर रहे हैं धरती पर, सबका संविधान इतने ही। बीतावत की देश कहो, वृद्ध में हाथ भर की देश कहो, सबका हालत इतने हस्ती इतने ही। ऐसा ही क्या बात, गलती को गलती से रोकना, देशवासियों के अपराध को अपराध से रोकना और पड़ोसी देशों के साथ युद्ध को युद्ध से रोकना। न्यायालय क्या बोले? संविधान का तीन, संविधान में भी तीन डिजिट और राजगद्दी धर्मगद्दी में भी तीन अभी बनानी, अभी कार्यक्रम बनाना ही है। किस बात का? मूल्य शिक्षा और चेतना विकास, मानवीयता पूर्ण आचरण, मानवता पूर्ण संविधान, शिक्षा व्यवस्था, ये चारों भाग बनाने। ये चारों भाग बनने की बात इसका गति, ठीक बात है ये? नहीं वो ठीक है, आपने एक जगह लिखा भी है कि अनुभव कार्यक्रम नहीं है, अनुभव में से के लिए कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम अभी बना नहीं है, कार्यक्रम बनने की पृष्ठभूमि बन रही है। जैसा अभी बताया, कोई घटना होने के पूर्व में उसका भ्रूण भ्रूण है, वो उस ढंग से ही दिख रही है मुझको, मुझको तो ऐसे ही भास होती है। बहुत सुंदर है बाबा, ये बहुत सुंदर है, ये वही उसी की व्याख्या जो है, जो हमने जल बनने की व्याख्या जो की उससे आपने जो की उसी की व्याख्या जो है आज जो अभ्युदय संस्थान है और सिद्ध है और इस तरह की रूप में बहुत सुंदर है बाबा। वही जल वाला बात है, ठीक से समझ में आता है। मानव का दिमाग आधा से अधिक सुधर जाएगा। एक नियति विधि, नियति सिद्धांत को यदि समझ लिया, उसके बाद पूरे ही समझ में ठीक हो जाते। ये तो शास्त्र तुम्हें नियति विधि को समझना बड़ी जरूरी है। पानी कैसा यौगिक हो गया उसको समझना बहुत, उसके बाद बाकी सब साधारण। सहस्तित्व में नियति विधि से मानव एक दृष्टि से देखते हैं तो बहुत छोटा सा नजर आता है, दूसरी दृष्टि से नजर देखते हैं तो बहुत बड़ा नजर आता है कि जब क्योंकि वो ही मानव है जो सब कुछ को देख रहा है, वो कितना बड़ा हो गया। दूसरी दृष्टि से दिखता है कि सहस्तित्व विधि से वो सहज रूप में प्रकट हुआ है शरीर और शरीर जीवन जो है ना प्रकट हो गई है। दो प्रकट हुआ है, मैंने विकास क्रम, विकास विकास रूप में जीवन प्रकट हुआ है। हाँ विकास क्रम में ही शरीर प्रकट हो गए। हाँ इन शरीर प्रकट होते तक में पदार्थ प्राण दोनों की अवस्थाएं समर्थ हुए बिना हो नहीं सकते थे। हाँ ये दोनों होने के बाद ये हुआ। हाँ ठीक है ना। हाँ और ये दोनों समर्थ होने के बाद जीव संसार होने की जरूरत रहा, क्योंकि शरीर मानव शरीर रचना के पूर्व भूमि में ये पूरा जीव शरीरों की रचना में थी। हाँ जब प्राण कोशाओं में यदि नहीं होती, मानव शरीर रचना हो ही नहीं सकती। उसमें रचना विधि में विकास है, वो सब प्रकार की शरीर बना करके प्रसन्न हुआ प्राण कोश, फलस्वरूप मानव शरीर को बनाने योग्य रचना विधि उसी में तैयार हो गया। इस तरह से श्रेष्ठ श्रेष्ठतम कोशाएं होते हुए
मानव शरीर रचना करना योग्य शरीर मैंने प्राण पोषण तैयार हो गए। अब हर शरीर शरीर बनने के बाद उसका परंपरा बनता है, उसी प्रकार मानव परंपरा में भी बना। रचना जो है इससे आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब सोचते हैं कि स्वयं स्फूर्त विधि से हो रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स हुआ है, इतना कॉम्प्लेक्स हुआ है कि बस दंग रह जाते हैं और कुछ बोलने की जगह ही नहीं। आपके जितना प्रजाति की रचना हुआ है उन प्राण कोशों में उतनी ही प्रजाति की रचना विधि रहती है। और आप ये भी कहा है ना कि हर प्राण कोशा एक ही प्रजाति की होती है और उसमें हर रचना की प्रजाति की वो प्रजातियां बनता है, उसका गुणवर्धन हो जाता है। अभी क्या हुआ था, इसके पहले रचना विधि प्राण कोशा सब एक ऐसा ना परंपरा मानव परंपरा मानव ठीक है ना, और ये विज्ञान का शुरुआत ठीक है ना। उसमें क्या किया तो बंदर का जो हृदय है मानव के लिए सूट हो, क्योंकि बंदर से पैदा हुआ आदमी ऐसा इटमोलॉजी ठीक है, क्या लगाया इटमोलॉजी बंदर से पैदा हुआ है, बंदर का हार जो है ना मैंने मानव को सूट हो ये शुरू इटमोलॉजी पहला इटमोलॉजी वहां पर, वहां से चल करके सुअर का हर्ट तक आए। हाँ ये बात है, ये सब ग्राफ्ट करके देख लिया गया, कोई सक्सेस नहीं, कोई सक्सेस। अभी वो हबीस पुरस्कार खत्म हो गए, अब वो नामे नहीं मेडिकल साइंस में है, इन इसका हर्ट लाओ उसका हर्ट लाओ वाला बातें समाप्त हो। अब क्या किया, अब क्या अभी है ना ऑपरेशन सिस्टम में कुछ परिवर्तन कर लिया, और अभी जो है ना सब बात की हमारे पास जुगाड़ ऑपरेशन ऐसा होता है। अब उस ऑपरेशन के बाद आदमी एक चौथाई रह जाता है, ना घर की ना घाट। नवाब कुछ नया कुछ ऐसे स्टेम सेल रिसर्च भी कर रहे हैं स्टेम सेल रिसर्च भी कर रहे हैं जिसमें ऐसा है कि जो मतलब माता के जो गर्भ में बच्चा के बनने से पहले जो भ्रूण रहता है उसको निकाल लेते हैं और उसके अंदर ऐसी प्रवृत्ति रहती है कि किसी में हाथ बनने की रहती है, तो उसको उसके द्वारा ऑर्गन्स को बनाने की विधि को डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, तो भारत जैसे देशों के अंदर ऐसा सोचा जा रहा है कि क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो यहां के लोगों के मतलब भ्रूण को लिया जाए और उसके ऊपर रिसर्च किया जाए, जितना मन चाहे अंगों को बनाया जाए बनाए, हाथ बनाएंगे हड्डी बनाएंगे ये बात तो हृदय बनाएंगे पहले ये था, इसको जो है ना मानव को बनाएंगे साचे में। ये पहले तो यह हुआ था कि गर्भाशय के बिना गर्भाशय जैसा परिस्थिति को पैदा करके हम भ्रूण को रखेंगे, भ्रूण को कहां से रखेंगे, वही वो जो कोई भी चमड़े से किसी का चमड़े को लेकर के उसी को यदि संस्कारित करें उसी में जो है ना और दोनों प्रकार की भ्रूण के लिए दो प्रकार की क्रोमोसोम चाहिए, दोनों तैयार होते हैं, क्रोमोसोम तैयार होने के बाद उनको वो साचे में रख करके उसको संरक्षित करेंगे जिससे कि मानव शरीर बनेगा। शरीर बनने के बाद उसका अंगावय उनको काट करके पार्ट्स को बेचेंगे, ये शुरू हुआ, ये सब हो चुका। उसमें उसके पहले ये हुआ था, एक बहुत अच्छे बुद्धिमान का चमड़े से यदि बनते हैं शरीर वो सब बुद्धिमान होगा ठीक है ना, उसको करके देखा तो हुआ नहीं। तब क्या किया, इसको व्यापार किया जाता है पार्श को उस प्रकार से रहे। अभी जो है ना पार्श बनाने वाला केवल पार्टे बनाएंगे, मनुष्य नहीं बनाएंगे, यदि ऐसा भी सोचते होंगे तो कोई आश्चर्य नहीं। ऐसा कर बोसोन को कंट्रोल करने से बहुत सारा सामरिक तंत्र बन सकता है, ऐसा उनको बताए उसके लिए कितना पैसा चाहिए।
कितना पैसा चाहिए, पैसा के बारे में बात, पैसा वो दे दे, ठीक है, वो अभियोग से वो चले गए, ठीक है, पैसे से मजा मार ले वैज्ञानिक ने, ठीक है, मजा मार लिया। उसके बाद जो है ना आगे आए हुए प्रेसिडेंट तीसरा कोई भी पूछा ही होगा, मतलब कहा हुआ भाई पोषण वाला वो प्रोजेक्ट, वो पूछने पर बता दिया, वो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि उसका कोई कीमत नहीं, ठीक है, ठीक है। अभी भारत में जंगल विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग कुछ ऐसा लिखता है, जैसा बरसात में पुल बह गए, बरसात में पुल पुल बह गए, पुल बह गए, बह गए ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, ब्रिज हैज बीन डिस्ट्रॉयड, प्राकृतिक आपदा। पर इस वाले का लिखते हैं जंगल वाले भाई, इतना प्लांटेशन किया कहाँ है, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज हैज बीन वैनिश्ड, सभी घटन पूर्ण हो गए, नहीं हुआ ना होता है। एक इसमें एक झाड़ में मुट्ठी भर मट्टी समा गए, सभी मट्टी झाड़ों में समा जाएगा, इस प्रकार की सोचने वाला आदमी जात उसका उत्तर नियति विधि से ही आती है, दूसरा विधि से आता नहीं है। उसके पहले हमको ये बताया था ईश्वर की इच्छा से होता है, भौतिकवादियों को इसलिए कुछ नहीं है, जो है वो मानव के भोग के लिए खत्म करो, मानव उसको उपयोग कर सकता है, मानव उसको समाप्त कर सकता है, मानव उपभोग करने का अधिकार रखता है, इसीलिए जल्दी जल्दी खत्म करो। उसके बाद कुछ व्यापारियों ने सोचा नहीं भैया सब खत्म करने से ठीक नहीं है, खोटने से ठीक है, खोटने मतलब खोटने जैसा चने की झाड़, चने की झाड़ में भाजी खाना, घास खोटते हैं, जड़ से नहीं उखड़ा जाए, भाजी को खोटा जाए, पुनः वो बनता चने की भाजी बनती रहे, जैसे भरा उसको तोड़ते रहो, मने रिसोर्स को बनाए रखते हुए व्यापार करना चाहिए। पहले व्यापार के मन में सोच में ये एक बहुत अच्छी एक सूझ लाए, मैं स्रोत रहेगा तो व्यापार कैसे करो, ठीक है, व्यापार का स्रोत बनाए रखते हुए व्यापार करना, मुर्गी मुर्गी को माटो के तो अंडा कहाँ मिलेगा, ठीक है ना, ठीक इस प्रकार से। उसके बाद आया एक और प्रवर बनाया, वो सुपु धन संचय क्यों, यदि पूत सपूत है धन संचय करके क्या करोगे, वो खुद धन अर्जन करेगा, ऐसा बात पूत सुपूत कुपूत हो गया, कितने भी दे वो रहने थोड़े देगा, बर्बाद करेगा है, संचय करके क्या करोगे, उनको करना कुछ नहीं, होने के रूप में सत्ता, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, रहने के रूप में प्रमाण, रहने के रूप में सत्ता में सत्ता है के रूप में है, होने के रूप में, हाँ सत्ता में प्रकृति होने रहने के रूप में, सत्ता में प्रकृति होने और रहने के रूप में, हाँ रहने का परंपरा है, ठीक, होने की जो स्वरूप है एक अवस्था से दूसरा अवस्था निष्पन्न होने की, इस ढंग से बना है, जो इस ढंग से बनी हुई चीज का दो रूप हुए, शरीर रचना रूप एक हुई, जीवन रचना रूप एक हुए, इन दोनों को अध्ययन कर दिया, ठीक है, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में जीव संस्था मानव शरीर जनना में आती है, मानव मानव जो शरीर जो शरीर रचना परंपरा है इसको इसमें कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता प्रकट होने योग्य हुआ, शरीर रचना यहाँ तक शरीर रचना की विकास हुई, अभी तक यहाँ तक अभी तक तो ये नियति विधि से जो शरीर रचना की बात हुई, नियति विधि से जो
जीवन स्वरूप अपने आप में गठन पूर्णता के रूप में मिली। ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों चीज मानव परंपरा की कल्पना से परे है, ये दोनों सिद्धांत को जो बता रहा है, ये कल्पना नहीं कर सकता, आदमी की कल्पना से परे है। क्योंकि जीव चेतना में रहने वाला आदमी नहीं तो पशु जैसा सोचता है, नहीं तो राक्षस जैसा सोचता है, दोनों में एक होना, दोनों एक गुरु में आना है, किसी एक गुरु में, ये दोनों गुरु में आता नहीं। समझ में आ गया? मानव जाति की अप्रोच की चीज नहीं था, इसीलिए अनुसंधान हुआ। कल्पना से परे चीज कैसे कल्पना में आ गई? कल्पना की चीज घटना होता है ना कल्पना से परे, जैसा मानव का परिकल्पना में पदार्थावस्था से प्राणावस्था प्रकट हुआ, ये कहना बहुत मुश्किल। ये मानव जाति में अभी वनस्पति है, जो वन वनस्पतियां है, इतना जानते प्रकट हुआ, ये इसको नहीं जानते, इसको नहीं जानते हैं, इसको नहीं जानते हैं, ये बात ठीक है। ठीक, उसी प्रकार जीवों से जो प्रकट हो गया मानव, इतना जानते हैं। ठीक है, मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में है, ये नहीं जानते। तो ये जो चीज मानव की कल्पना में नहीं आ सकती थी, वो घटना अनुसंधान के बाद घटना विधि अध्ययन में आ गया, अभी आ गया तो हमारी कल्पना में आ सकता है। बाबा जब सत्ता की बात कर रहे हैं तो ये सत्ता जो है स्पेस जैसा नहीं है, क्योंकि स्पेस जिसको कहते हैं उसका कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्पेस जो है उसको वो डिस्प्लेस हो सकता है, ये सत्ता जो है डिस्प्लेसेबल नहीं है, हर जगह एक सा है ना। जो चेंज होने वाली चीज है ना, उसके ओर मानव का शैधिक ध्यान गया है, अनचेंजेबल फैक्ट के ऊपर मानव का ध्यान गया है। ये अध्यात्मवादियों ने अपना पुरजोर किया, सिर्फ टूटा, किंतु वो लोकगम्य हुआ नहीं। बाबा लोक, आप ये क्यों कहते हैं लोकगम्य नहीं हुआ, ये क्यों नहीं कहते कि उनको कुछ मिला ही नहीं? अध्यात्मवादियों ने जो पुरजोर कोशिश किया, आप ये क्यों कहते हैं कि लोक गम्य हुआ नहीं, ये क्यों नहीं कहते कि उनको कुछ उपलब्ध भी नहीं हुआ? सिरकुटा का है। अच्छा, लोक गम्य का मतलब उपलब्ध नहीं हुआ। मैंने परंपरा नहीं बनाया, पहुंचा नहीं है, छुआ नहीं है, वही अभी बताया ना भाई, वो एक साधवी से पूछा, जो साधना से प्राप्त उपलब्धि मानव को छुआ है, मानव परंपरा को छुआ है, वो कहे नहीं। बाबा अभी सत्ता को खाली स्थान भी कह रहे हैं क्या? जो खाली स्थान जिसको हम कहते हैं, वो जो आदमी जैसे को वस्तु कहता है, वो दोनों स्थितियों में बराबर विद्यमान। ठीक है, क्योंकि उसके लिए क्या कहा है, पारगामी विधि से सर्वत्र यथावत विद्यमान। ठीक है, पारदर्शी विधि से भी स्पष्ट, ये जो परस्परता की दूरी पारदर्शिता। ठीक है, एक बार अगर पारगामी कह दिया बाबा तो उसमें भीगा घीरा और डूबा अपने आप नहीं आ जाता है, अपने आप आ जाता है। वही तो पारगामीता ही है, संपर्कता। ठीक है ना, फलस्वरूप जो है ना तीनों आ गया। ठीक, ये आने से घिरा हुआ होने से नियंत्रण, हर वस्तु अपने में नियंत्रित रहने की व्यवस्था बन गई। ठीक है ना, भिगा हुआ रहने से ऊर्जा संपन्नता, आचरण ही नियम। हम्म,
क्या है आचरण ही है, ठीक है ना। आचरण की निरंतरता ही निरंतर, क्या सुना, आचरण की निरंतरता ही निरंतर, ठीक है ना। एक दूसरे के साथ, एक अवस्था से दूसरे अवस्था के साथ पूरक उपयोगी होना ही संतुलन। एक दूसरे के साथ पूरक उपयोगिता सिद्ध होना ही क्या है, संतुलन। ये जो अभी बताया संतुलन सिद्धांत, पूरक सिद्धांत में आदमी सर्वथा बैंकरप्ट, ये ठीक है, सर्वथा बैंकरप्ट। अच्छा, उसके विपरीत मानव विरोधी होना ज्यादा मानव में, नियति विरोधी होना ज्यादा मानव में सामाजिक में, ये अपन फाइंडिंग किए हैं। उसको कैसे किया, अपना पराया दीवार ठीक है, अपना पराया दीवार। ये दीवार जब तक है तब तक तो मानव जीवन अपराधी होगा ही, ऐसा अपन अभी घोषणा की है। ठीक है, मानव जब तक अपना पराया की दीवार के अंदर व्यथित रहेगा, ठीक है ना, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अनुकूल हुए बिना यह मानव अपने उपयोगिता और पूरकता को प्रमाणित नहीं करेगा। यहाँ पहुंचने के बाद मैं करना क्या है पूछा, मानव चेतना से, मानव चेतना सबको में प्रवृत्त हुआ जाए, मानव चेतना को अध्ययन कराती है, मानव चेतना चेतना मुनि शिक्षा विधि से मानव जो है ना अपने आप से जागृति पद में आता है, अपने आप से। उसमें लिखा है जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ है, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठतर है, और देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठतम है, और श्रेष्ठता की ओर अपना गति हो सकती है। अभी जो बात है श्रेष्ठता का आधार मानव चेतना ही है, उसके पहले जीव चेतना श्रेष्ठता में आता नहीं, जबकि मानव चेतना में जीता हुआ मानव जीवों से अच्छा जीने की कोशिश किया। 6 मिनट है ना, ठीक है, ठीक है। जिस दिन पूरा होगा मानव जाति के दिमाग में आएगा हालत क्या होगा, कभी कभी सोचता हूँ क्या क्या चीज क्या होगा, क्यों कोई हिसाब नहीं, हिसाब नहीं है ना, जब हालत हो जाएगी नई पीढ़ी समझ ली इसको ना, तो आगे जरूर आ जाएगी। महाराज जी अभी तक जितना व्यथापन किए ना उसका परिणाम होगा, होगा व्यथा। एक बार तो मानसिक रूप में, एक बार तो व्यथा के रूप में प्रायश्चित होगा सभी परंपरा के साथ, एक परंपरा नहीं होगा, सभी परंपरा के साथ होगा। वो सरकल है, हाँ घूमेगा ही, घूम के आएगा। उसके बाद कहा कि ये हम पूरा मानव चेतना में है, इसका क्या प्रमाण, उसको लिखा प्रॉस्पेक्टस में। यदि अपन ने स्कीम बनाया उसका प्रॉस्पेक्टस भी होना चाहिए ना, उसमें लिखा है भाई मानव ज्ञान विवेक में ज्ञान पूर्वक सोच विचार करता, उसको जूम आउट कर दो, ज्ञान को अध्ययन कराया, विवेक को अध्ययन कराया, विज्ञान को अध्ययन कराया, इन तीनों बात को ध्यान में रखते हुए सोच विचार करता, सोच विचार पूर्वक जो कुछ भी निर्णय लेगा उसके अनुसार योजना बनाता है, योजना को कार्य रूप देता है, उसका फल परिणाम होता है, वो ज्ञान के अनुरूप हो गया वो समाधान हुआ, ज्ञान के अनुरूप नहीं हुआ समस्या हो। उसके बाद लिखा ठीक है, चलता है, कोई आपत्ति नहीं, कोई वो ठीक है, वो बिल्कुल इसके लिए योग्य है, ये गिरना नहीं रहे ठीक है ना, ठीक है। आदमी जात जो है जब कभी इसको अपनाएगा ना एक बार तब पश्चाताप करेगा, जैसा मुझमें क्या है कम से कम 10 वर्ष हम पश्चाताप में गुजरे,
40 से 50 तक। अच्छा ठीक है, पश्चाताप क्या है? मुख्य बात यह था अपने ज्ञान जो है अव्यक्त है, अनिर्वचनीय, ज्ञान पवित्र है, ज्ञान ही सर्वज्ञ है, ज्ञान को सर्वज्ञ बताया, ठीक है ना, और पूर्ण बताया, सब कुछ बताया, बता कर क्या बताया, अव्यक्त है, इसको कौन कौन पर्दा डाल दिया भाई, धर्मगुरु अव्यक्त है, कौन बुरखा डाल दिया, कौन टेक्नीशियन ऐसा बुरखा बनाया, इसके ऊपर बुरखा डाले उसके आधार पर शुरुआत है ना, इसमें शर्माने की क्या जरूरत है, ठीक है, ठीक बात है, ठीक। और वो ऐसे ऐसे जो शर्म इनके साथ व्यभिचार करने की वस्तु क्या रहा, ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है अस्तित्व में, जब विभूता है फिर कई के लिए शर्म, कई के लिए अव्यक्त होने की क्या जरूरत था, अलोप रहने की क्या जरूरत थी, ये सब अड़भंगा क्वेश्चन हमारा रहा, उसमें काफी संकट हुआ, काफी दिन उसको चले, उसके बाद जो है ना स्वतंत्रता है, संविधान में, संविधान में राष्ट्रीय चरित्र व्याख्या इतना ही, और उस समय में हमारे बुजुर्गों से वेद मूर्तियों को इकट्ठा करके पूछा कि भाई अभी लिख के दे दो, ये सही समय है, क्या राष्ट्रीय है आप बता, वो हमारे इसमें वेद वाक्यों में भी है ना, प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेस्मिन कीर्तिम वृद्धिम ददातमे, ये वाक्य लिखा, सुराष्ट्र का जब आप हम हर दिन पारायण करते हैं उसका क्या राष्ट्रीयता क्या है लिखे, ऐसा शुरू किया, उसमें एक लाइन लिख नहीं पाए, ठीक, वो हमारा व्यथा का कारण, दूसरा पहले से व्यथा थी, ये ईश्वर हो, व्यापक हो, अच्छे बड़ी बड़े सच्चिदानंद हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, ये सभी बात होता हो, अब क्या कहते हैं बुरखा लगाया हो, ये कौन सा बात है, ये कौन सा बात, कहां से है, इस कष्ट को झेलो 10 वर्ष, 10 वर्ष झेलने के बाद निर्णय किया इसको झेलना नहीं, अंत करो सारे, क्या अंत करोगे, एक शरीर या अंत होगी या नहीं तो कोई निष्कर्ष निकलेगा।